हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हाउ टू रैप में ए ए बी बी वाली जो राइम्स होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, तो इसके अंदर मैं पहले आपको एक लाइन बताऊंगा कि लाइंस कैसे होती है, और उसके बाद ए ए बी बी वाली राइम्स को कैसे कैसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप ये समझ लो इसके फंडामेंटल्स रूल्स हैं जो हमेशा काम आते हैं और वैसा ही साउंड करते हैं जैसा मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। आपने मेरी बेसिक वीडियोस अगर यूट्यूब पे देखी हो तो आपको बेसिक नॉलेज और होगी, तो इसके अंदर अभी एडवांस नॉलेज आपको और मिलने वाली है। तो हो सके तो आप वो वीडियोस भी देख लेना जो मेरी यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई है, तो उन पे और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब इसके अंदर मैं एक लाइन लिखता हूँ जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि एक लाइन में यहाँ लगाता हूँ जो मेरा मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी राइम है। ओके, और नॉर्मली क्या होता है, लोग ये जो लाइन है ऐसे ही मतलब लिखते हैं, लाइन लिखी राइम लिखी, लाइन लिखी राइम लिखी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, नॉर्मली क्या लोग करते हैं, एक लाइन लिखी दूसरी लाइन लिखी और बस, इसके बाद ये जो टेस्ट है वो बदल जाता है उनका। अगर मैं एग्जांपल दूँ टेस्ट का, जैसे ये लाइन है, गुरु का रैप आया वॉल्यूम करो हाई। ओके, अगली लाइन है, लिरिक्स को काट के बना हूँ मैं कसाई। तो आपने देखा कि ये दो एक जैसी राइम्स है, इसको मैं ए बोलूँगा, इसको भी ए बोलूँगा। अब जैसे ही लोग आगे काम करने लगते हैं तो वो राइम्स को ध्यान दे के सोचते हैं राइम्स नहीं बनी तो हम छोड़ देते हैं, तो आगे क्या करते हैं वहाँ पे कुछ बना देते हैं। जैसे यहाँ राइम बना देंगे करम, और अगली में भी बना देंगे धर्म, ठीक है। तो ये राइम हो जाएगी हमारी बी, ये हो जाएगी बी। ये किसी किसी जगह पर ठीक रहता है, पर ये हमेशा सही नहीं रहता है, क्योंकि अगर जब आप इसको चेंज करते हो तो आपका एक फ्लो बदल जाता है। ये दो लाइन के अंदर ही फ्लो रहता है, फिर यहाँ फ्लो अलग हो जाता है और साउंड्स भी अलग हो जाती है। तो हमें करना ऐसा है कि हमें जो भी लाइन लिखनी है उसके अंदर चार लाइन बनानी ही बनानी है, और चार लाइन बनेगी तो चार राइम्स तो पक्का बनेगी। ओके, जैसे हाई कसाई, कलाकार मैं कलम से यारी, ओ इसको गुरु का रैप आया वॉल्यूम करो हाई, लिरिक्स को काट के बनाऊँ मैं कसाई, अच्छा लगे तो शेयर कर देना भाई, लिरिक्स को काट के बनाऊँ मैं करा छोड़ दी पढ़ाई। तो अब ये जो बी राइम्स पहले अलग साउंड थी, अब ये ए राइम्स बन जाएगी, इसको हम ए बोलेंगे, और यहाँ पे लाइंस हो जाएगी थ्री और यहाँ हो जाएगी फोर, और यहाँ पे हमारे वर्ब वाला सिस्टम चलेगा। और जब हम इसको एडवांस लेवल में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे मैं एक लाइन मार देता हूँ, इसी तरह हम काम करेंगे, सिर्फ स्टाइल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया है एक वर्ब, यहाँ पे राइम, यहाँ पे वर्ब, यहाँ राइम, यहाँ वर्ब, और यहाँ राइम, और यहाँ वर्ब, यहाँ राइम। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ए राइम्स यूज़ करो, यानी कि हाई यूज़ कर लो, और यहाँ पर ए राइम्स यूज़ करो, मतलब एक छोड़ के अगले वाले के अंदर बी राइम्स यूज़ करो, अगले वाले में बी राइम्स यूज़ करो। तो अब क्या होगा, ये जब लाइन घूम के जाएगी तो ये जुड़ेगी इस पे, एंड होगा इस पे, यहाँ से लेके यहाँ पे एंड होगा, फिर ये लाइन का यहाँ एंड होगा। तो इस तरह साउंड करके ये साउंड ऐसे क्रिएट करेगी। आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा जिनके अंदर मैंने ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उसको ज़रूर देख लेना। मैंने इसलिए आपको बताया कि ऐसी चीज़ होती है, क्या पता आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि मैं आगे और भी चीज़ें समझा सकूँ।
अब मैं आपको एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं डाल देता हूं। अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल देने वाला हूं। जिसमें आप रैप के अंदर ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। जैसे सॉन्ग है,